हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और बताइए, लॉकडाउन में सबका कैसा दिन चल रहा है? तो लॉकडाउन में कौन क्या कर रहा है, कैसा है, ये सब भी जानना ज़रूरी है। और घर बैठे बैठे क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे सभी का सेम हालत है, किसी का कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो चलिए, आज तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करो। बहुत ही सिंपल सा है, एकदम कॉमन सा रेसिपी है, एकदम कॉमन सा रेसिपी है, तो स्वीट डिश है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ ट्राई करो, क्योंकि मतलब शेयर करो, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो अभी ये सेकंड टाइम है जब मैं ट्राई करने जा रही हूँ। तो सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी मैं शेयर करो, शेयर शेयर करो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं स्टार्ट करूँगी तब मैं बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है? तो लेट्स गो। तो हम आज बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो मैंने कढ़ाई बिठा दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें अनियन घी। आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ घी, अनियन घी ले रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको अब अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किए हुए ये गाजर, इसको मैंने अच्छे से धो के बहुत ही बारीकी से ग्रेट की है। अब हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे इसको थोड़े थोड़े करके इस तरह से डाल देंगे ताकि घी छिड़क के मेरे तरफ ना आए। बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे जब तक ये पूरे अच्छी तरह से अच्छे से फ्राई ना हो जाए और नरम ना हो जाए। इसको अच्छे तरह से पकना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको धीरे धीरे से हम यूं ही चलाते रहेंगे, बार बार चलाते रहेंगे, इसको हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। तो टाइम भी लगता है ये फ्राई होने के लिए। आप जितने अच्छे से इसको फ्राई करेंगे उतना ही टेस्टी होगा। तो मैं इसे धीरे धीरे करके इस तरह से, अब थोड़ा सा अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया है, ये नरम भी हो गया है। अब हम इसी तरह से इसको चलाते ही रहेंगे। जब ये पूरे पक जाने के बाद ये थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब इसका क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा ये अच्छी तरह से पका या नहीं। तो ये हमारा पूरा फ्राई होके तैयार है। इसमें अभी हम ऐड करेंगे शुगर यानी चीनी। तो मैंने इसको पीसा नहीं, मैंने इसको यूं ही चीनी में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसमें एक कटोरा चीनी डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से, आपको कितना मीठा चाहिए वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मुझे मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा चीनी डाला। अब फिर इसको मैं अभी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जब तक ये चीनी पूरे से अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स ना हो जाए, तब तक मैं इसे फ्राई करती रहूँगी। जैसे अब ये फ्राई हो गया, अब मैं यहाँ पे डालूँगी तेज पत्ता और कैशू मैं बाद में डाल दूँगी। अब मैं फिलहाल इसमें तेज पत्ता डालने वाली हूँ। तेज पत्ता ऑप्शनल है, आपका मर्ज़ी, अगर आप डालें या ना डालें। तो मुझे तेज पत्ता का फ्लेवर बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसमें 4 तेज पत्ता डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी तो इसका फ्लेवर भी पूरी तरह इसमें आ जाएगा, तो ये बहुत टेस्टी भी होगा। बहुत ही सुंदर से फ्राई हुआ है, सब मिक्स हो गया है। यहाँ पे कॉन्डेंस मिल्क भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ कॉन्डेंस मिल्क। तो मैं देखिए, मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच कॉन्डेंस मिल्क ले रही हूँ। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप मीठे ले सकते हैं, कितना आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच ही यूज़ किया, क्योंकि पहले भी मैंने यहाँ पे चीनी डाली हुई है, इसलिए यहाँ पे 4 चम्मच ही मैं यूज़ कर रही हूँ।
तो ये अभी रेडी है। मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर जो मैंने अब पीसी हुई है। तो कंडेंस मिल्क को भी मैंने अच्छे से मिला के इसको भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी काजू। अब चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास अभी काजू बादाम है। अब लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट भी नहीं जा सकती कि अलग ड्राई फ्रूट्स लेके आओ। फिलहाल तो मेरे पास जो थे मैंने वही डाल दिए हैं। आपको आपके घर में जो होगा या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसको बना सकते हैं, फिर भी ये टेस्टी लगता है। आप इसको कैसे भी खाएं, अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा बनाना पसंद है तो मैंने इसको इस तरह से बनाया। तो आप लोगों को अभी जैसा पसंद, किस तरह से मीठा चाहिए, किस तरह से इसको खाना पसंद है, तो इस तरह से भी आप लोग इसको बना के खा सकते हैं। तो अब ये हमारा, आप देख सकते हैं इसका जो मॉइस्चर है ये अभी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से भून ली है। तो इस तरह से अभी भून के अब हमारा ये हलवा तैयार है। अब हम इसको निकालने वाले हैं। तैयार हो गया हमारा गाजर का हलवा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो मैं इसको इस तरह से सर्व की हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट होगी, आपको जिस तरह से सर्व करने का दिल है वैसा कर सकते हैं। तो आप ये घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। और आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। टाटा।